बेतिया नगर के बंगाली कॉलोनी स्थित बेलबाग चौक के पास पंचायत के क्रम में एक युवक की स्थिति बिगड़ने के बाद जीएमसीएच बेतिया लाया गया, जहां स्थिति बिगड़ती देख चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया। सूत्रों की माने तो युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक की बेटी आदिति देवनाथ ने बताया कि मेरे पिताजी को बगल के ही सुनील शाह और नृत सिंह ने पंचायत में बुलाकर ले गए थे और वहां उनके साथ मारपीट किया, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आदित्य देवनाथ ने बताया कि सुनील शाह बेलबाग चौक के पास जुआ खिलाता है, साथ ही शराब, चरस और स्मैक आदि बेचता है। इसी क्रम में शराब को लेकर मारपीट हुआ था, जहां मेरे पिताजी चश्मदीद गवाह बने थे और उनको पंचायत में बुलाया गया और मारपीट किया गया, जिसमें उनको गहरी चोट लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। शव को परिजनों ने बेलबाग चौक पर रखकर वरीय पदाधिकारियों को बुलाने और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कार्यवाही की मांग की। घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा और जाम लगा रहा। बाद में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर उग्रनाथ शाह के समझाने बुझाने के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। कल सुबह बंगाली कॉलोनी के निवासी उदय देवनाथ हैं, उनको किसी झगड़ा के मुद्दे में जहाँ भी वो कहीं भी मैटर में नहीं थे, उनको बुला के कहीं पर एक पंचायती हुआ है, पंचायती में उनको बुला के डांटा गया है, प्लस शायद उनको मारा भी गया है। जब मारा गया है तो वहीं पर वो बेहोश होकर गिर गए हैं। हार्ट अटैक आया है, जब भी गिर गए हैं तो इन लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद बेतिया हॉस्पिटल उनको रेफर किया है। रेफर करने के बाद मुथियारी हॉस्पिटल ले गए हैं, जहाँ पे इनको मृत्यु घोषित कर दिया गया है। और उसके बाद से हम लोग को कुछ नहीं, जो इसमें गुनहगार है उसको सजा दीजिए और उसकी बेटी को जितना सरकार के मदद हो के मदद करवा दिया जाए। खुलेआम यहाँ दारू और एक नंबर ही चलता है। प्रशासन का गाड़ी यहाँ सामने से जाता है, प्रशासन आके यहाँ देखती है, समझती है, कुछ नहीं करती है और सारा कुछ मैनेज रहता है। कॉलोनी का हर आदमी परेशान है उससे। यहाँ सुबह में एक नंबर का दुकान आप चल के वहाँ देख सकते हैं, घर के बगल में एक नंबर भाड़ा का दुकान लेके चला। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज, बेतिया, बिहार।